back to my channel, this is Shivani और आज है day 3 and सुबह के बज चुके हैं 9 और हम सब ने नाश्ता वास्ता सब कर लिया है एंड हम बस इस मोटर से अभी चेकआउट ही हो रहे हैं। हम लोगों ने सब कुछ पैक कर दिया है, शिवांश भी लोड हो चुका है कार में। बस अभी हम निकल रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए, तो I'll see you guys there. तो अभी हम जा रहे हैं ब्रॉड म्यूजियम के अंदर और ये एलिवेटर है। हम इतना एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए क्योंकि हमने पहली बार विजिट किया था तब ये ओपन नहीं हुआ था और ये बहुत नया म्यूजियम बना है मॉडर्न आर्ट के। हम वैसे आर्ट के इतने बड़े फैन नहीं है पर्सनली, सॉरी इफ यू आर आर्ट फैन, बट इवन द एलिवेटर इज लाइक इट लुक्स सो गुड। अब नीचे देख रहे हैं एलिवेटर के अंदर। सो अभी हम आए ब्रॉड म्यूजियम के सबसे पहले एंट्रेंस में और एंट्री से ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है जब हम ऊपर आए लिफ्ट एलिवेटर से। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मॉडर्न आर्ट है, मतलब मैं इतना जानकार नहीं हूँ, आपको बता दूँ आर्ट म्यूज़ियम बताने से पहले कि आर्ट में क्या क्या होता है, कितनी डिटेल्स बारीकी से होता है और मैं कई बार बोर भी हो जाता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं चलता और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सब कुछ रीड करके पढ़ूँ। हे गाइस, आई एम जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल वीडियो नाउ, सॉरी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है और जो लोग यहाँ पे वीडियो करने के आए तो मैं बता दूँ आपको कि स्टेबलाइजेशन यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहा है, तो मुझे बताया कि मैं गिम्बल यूज़ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, सो आई वांटेड टू शो ऑल ऑफ़ यू गाइस, तो मैंने उनको अपील की कि एटलीस्ट मैं वीडियो में बोल सकता हूँ, तो उन्होंने श्योर बताया कि हाँ हम बोल सकते हैं, तो मैं हम आपको दिखाएँगे टूर पूरी कैसा लग रहा है यहाँ पर। ये पूरा प्री सिविल वॉर का टाइम में, मतलब यहाँ पे जो हिस्ट्री थी वो ब्लैक एंड वाइट में मैन वुमेन फैमिलीज कैसे रहते थे वो सब मॉडर्न आर्ट से डिपिक किया है और सब कुछ ब्लैक एंड वाइट से किया है, तो उसका व्यू ही पूरा अलग आ रहा है। पूरा म्यूज़ियम में ब्लैक एंड वाइट, मतलब वाइट वॉल्स है और ब्लैक एंड वाइट से डिपिक किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे हरे काट के साइड में ये यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से डिटेल दी हुई है गाइस, तो इट्स वेरी यूनिक। एंड गाइस यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल तरह की पेंटिंग की हुई है जो मॉडर्न आर्ट है वो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं शिवांश को थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ जो मेरे पास है थोड़ी सी, तो या आई एम जस्ट पासिंग आउट टू हिम एंड ही इज रियली एंजॉयिंग इट, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट, सो या आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड यहाँ पे अगेन आर्ट के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है कि वो कब किसने क्यों बनाई थी। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एवरी डे में, एंड यहाँ पे कॉलेज और स्कूल से भी स्टूडेंट्स को लेके आते हैं इस मॉडर्न आर्ट के बारे में जानने के लिए, एंड ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कभी भी आ सकते हो पर यू हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो दे डू टेम्परेचर चेक एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। ये पता नहीं सच में उसको उल्टा रखा गया है या फिर ऐसे ही बनाया गया है या फिर किसी ने उल्टा रखा है, जैसे कि ये है उसमें टेक्स्ट सीधा है बट पूरा आर्ट वर्क टेढ़ा है और इसमें बहुत अलग तरीके से लिखा है कि यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, जैसे कि इसमें लिखा है योर बॉडी इज़ अ बैटल ग्राउंड। फिर ये जो पूरा टेक्स्ट है आपने देखा ये पूरा उल्टा लिखा हुआ है और ये वीडियो विजुअल आर्ट है, तो यहाँ पे ये मूव होता है जैसे हम मूव हुए वैसे। जो मेरा फेवरेट पार्ट है मेरा और शिवानी का वो ये है जायंट चेयर और डाइनिंग टेबल, तो आप देख सकते हो कि मतलब हम उसके पर्सपेक्टिव में कितने छोटे लग रहे हैं और ये चेयर कितनी बड़ी है कंपेयर टू नॉर्मल। जो बचपन में हम स्टोरियाँ सुनते थे गली वर इन लिलीपुट वैसा लग रहा है। मैं पूरे डाइनिंग टेबल के नीचे हूँ और ये आप देख रहे हो कि मेरे से या शिवानी से चेयर कितनी बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे जायंट डाइनिंग टेबल का ऐसा एग्जीबिशन किया हुआ है। दिस इज़ रियली व्हाट अट्रैक्टेड सो मेनी विजिटर्स टू सी द मॉडर्न आर्ट। ये म्यूज़ियम का सेकेंड बेस्ट पार्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, जो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है चूँकि ये है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसको भी ऐसे बलून जैसा है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था वो लॉलीपॉप कैंडी जैसा बनाया था वैसे ये भी एकदम बड़ा बलून का जो जैसे कि कोई डॉग हो वैसा बनाया है, बट एकदम बड़ा सा बनाया है
और मेरी हाइट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप के पेंटिंग की हुई है, फोटोज लगाई हुई है, मॉडर्न आर्ट है वो की हुई है, और उसके साइड में पूरी डिटेल के साथ इन लोगों ने कम्प्लीट किया। आपको लग रहा होगा कि मतलब जायंट हैट है, फिर ये जायंट यहाँ पे जो बलून इन्फ्लेटेबल बलून का वो स्कल्पचर बनाया हुआ है, फिर वहाँ पे जायंट डाइनिंग टेबल और वो सब है, तो उसका मतलब क्या है, ये आर्ट में दिखाना क्या चाहते हैं? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो वो मैटर बहुत करता है। हाँ, आपकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैटर करता है, बट आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसको वो बहुत मैटर करता है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उसको जायंट या स्मॉलर रूप में डिपिक्ट किया है और बताया कि हाउ वी प्रेजेंट मेक्स थिंग्स लुक डिफरेंट एंड चेंजेस पीपल्स पर्सपेक्टिव। दैट वाज बेस्ट आई कैन डिस्क्राइब, बट अगर आपको मॉडर्न आर्ट में ज़्यादा पता है तो प्लीज़ फील फ्री टू ऐड मोर इन कमेंट्स। ये जो है मतलब मुझे लगा कि इतना सिंपल क्यों बनाया, मतलब सिर्फ आप देखोगे तो कलर्स है इसका रेड ग्रीन ब्लू, और मैंने जब इसकी पढ़ी मॉडर्न आर्ट का जो पेंटर का माइंडसेट था तो वो बता रहा है कि नॉर्मल शेप्स को आप नेचर के साथ इंटीग्रेट करते हो, मतलब जो बेसिक कलर्स है वाइब्रेंट तो उसके साथ आप कैसे डेपिक करते हो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसने सिंपल जो रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स है और नॉर्मल शेप्स है उसको ऐसे अनयूजल वे में प्रेजेंट करके पूरा जो कॉन्ट्रास्ट है तो वो दिखाया। पता नहीं ये वीडियो उसका रिप्रेजेंटेशन सही से कर पाएगा, आप सही में देखो तो वो पूरा आई कैचिंग कॉन्ट्रास्ट दे रहा है पूरा सब कलर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खींचा चला रहा हूँ, वाइब्रेंट पूरा आइस आइस से पूरा वाइब्रेंस दिख रहा है इसका। तो नॉर्मल है, मुझे पहले ऐसे ही लग रहा कि जब तक मैंने ये पढ़ा नहीं कि ये क्यों इसने इतना सिंपल बनाया है और उसको अलग अलग अनयूजल शेप में प्रेजेंट किया है नॉर्मल कलर्स को, बट दैट्स द मेन गोल बिहाइंड द पेंटर। और फिर ये है इन्फिनिटी मिरर रूम, जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे अपने ही खुद के। आप देख सकते हो मतलब मेरा ही बहुत सारा विजुलेशन में मैं ही बहुत ज़्यादा दिख रहा हूँ और शिवांश भी बहुत दिख रहा है। शिवांश को बहुत मज़ा आया तो उसको ऐसा है कि फिर से देखना है यहाँ से यहाँ से। और ये है बड़ा पार्ट, चलता फिरता इन्फिनिटी मिरर रूम। यहाँ पे हम अंदर जाके पूरा अपने आप को देख सकते हो। दिस इज मैस्मराइजिंग, आपको खुद आके देखना होगा, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी मिरर रूम्स हैं जो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देंगे। ये वाला पूरा अलग ही दिख रहा है और ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, जिसमें आपको ऐसे ही लगेगा कि आपके चारों तरफ जो कैंडल्स चल रही है और इन्फिनिटी मिरर रूम में आप उसको खड़े रह के देखने का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग है। सो डेफिनेटली अगर ब्रॉड म्यूजियम में आओ तो डोंट मिस दिस, ये मे बी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा यहाँ का। हार्ट के कितने कितने टाइप होते हैं आज मैंने जाना, और इतना ब्यूटीफुली सजा है, मतलब हमें ऐसे ही लगा कि हम यहाँ पे ही रह जाए बस, इतना ब्यूटीफुल रूम्स बनाए हुए हैं। सी ये मतलब अभी कोई नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा व्यू, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कुछ ऐसा अलग से नहीं किया है फिर भी। एंड एज आई सेड अर्लियर कि हर एक डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से डिवाइड किया हुआ है, और ऐसे ही 2000 से ज़्यादा कलेक्शंस है, 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हुई है, स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, मॉडर्न आर्ट से लेकर एनिमेशन आर्ट्स, जो भी कंसेप्ट आप कंटेम्प्रेरी आर्ट में म्यूजियम में देखना चाहते हो यहाँ पे सब कुछ है। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख देंगे जो आप खुद जाके विजिट कर सको ये सारी आर्ट्स ब्रॉड म्यूजियम की। और ये सेकंड फ्लोर से हम स्टेयर से ही जा सकते हैं, तो शिवांश को हम नहीं ले जा रहे हैं अभी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे लिए भी ये नया है। बट ये सब विंडोज़ में से आप देख सकते हो और स्टेयर से ही देख सकते हो, ये सब मॉडर्न आर्ट जो आने वाले हैं वो ये यहाँ पे रखते हैं सेकंड फ्लोर पे। ये म्यूज़ियम को एलआई ब्रॉड एंड एडाई द ब्रॉड ने फाइनेंस किया था $140 मिलियन में। ये एलए सिटी को गिफ्ट है और उसके वजह से ये सबके लिए फ्री है। वो लोग चाहते थे कि उनकी जो 45 इयर्स से ये जो कलेक्शन कर रहे हैं उनका ये कलेक्शन सिटी को समर्पण करे, और ये उनकी ऑफिस है। यहाँ पे लिखा है कि ये जो म्यूज़ियम है वो ऐसा ही नहीं बना, उसको 50 इयर्स
हो गए सबको कलेक्ट करते करते, और किस आर्ट को कब उन लोगों ने कलेक्ट किया उसकी पूरी टाइमलाइन है यहाँ। जैसे 1967 से लेके जैसे ये वाला था इसको 1996 में एक्वायर किया, ये वाला था उसको 1995 में, वैसे ही जो पूरा आर्टवर्क है वो कलेक्ट करते करते जैसे ये वाला हमने देखा वो 2011 में, ये पूरा कलेक्ट करते करते अभी 2021 हो गए और सब ज़्यादा बढ़ कलेक्ट करते ही जा रहे हैं ये लोग। तो ये पूरी टाइमलाइन के साथ इन लोगों ने यहाँ पे वॉल पे डेपिक किया है। एलिवेटर भी एकदम मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लग रही है। हम अभी जा रहे हैं नीचे और वहाँ पे एक गिफ्ट शॉप है और एक गिफ्ट शॉप और वहाँ से हम एग्जिट लेंगे। तो ये थी हमारी ब्रॉड म्यूजियम की इनसाइड गैलरीज और मॉडर्न आर्ट की डिपिक्शन। आप बताना कमेंट में अगर आप आर्ट के फैन हो या नहीं भी हो मेरे जैसा, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे मॉडर्न आर्ट म्यूजियम देख के, और आप विजिट करना चाहोगे कि नहीं। ना मैंने ऐसा म्यूजियम देखा जहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता और मेंस का अलग नहीं है, सिर्फ हैंड वेव करो तो ओपन हो जाता है। और ये है यहाँ की गिफ्ट शॉप, यहाँ से आप मॉडर्न आर्ट का सुविनियर बाय कर सकते हो अगर आपको स्पेशली बुक्स या ऐसे कोई स्पेशली इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप वो भी ले सकते हो। एंड उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है पूरा म्यूजियम, एंड द गिफ्ट शॉप वाज वेरी वेरी क्लीन एंड नीट। अगर आप पहले आओ तो डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस म्यूजियम गाइस। जैसे मैंने बताया मैं इतना जानता नहीं हूँ मॉडर्न आर्ट को, बट इसका इंटीरियर म्यूजियम का मुझे बहुत अच्छा लगा और बाहर से भी ये बहुत ब्यूटीफुल है। हेलो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं एलए के डाउनटाउन में और इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू गाइस। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यू नो, कॉफ़ी वॉफी लेके। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए ऑलरेडी और ये मस्त ऐसा बनाया हुआ है, यू नो, यहाँ से आप वॉक कर सकते हो। एंड रात को यहाँ पे लाइटिंग भी होती है तो इट्स गोना लुक सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, सब बैंक्स और सब, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, ये जो ऑरेंज वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहाँ पे, वो है केबल कार जो कि शिवांश की फेवरेट है। तो या वी आर गोइंग देयर राइट नाउ केबल कार राइड करने के लिए जा रहे हैं। और यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू गाइस, एंड ये केबल कार रेडी है एंड शिवांश सो एक्साइटेड, हमें ले जाएगी पूरे वहाँ पर जो डाउन है वहाँ पे। ये छोटी सी राइड है पर शिवांस के लिए उसको मजा आ रहा है, इसलिए वी आर गोइंग देयर। यू कैन सी द व्यू। और ये आप देख सकते हो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, हम अगर ऊपर भी देखें तो भी यू नो हमारी आंखें जो है वो उसमें पानी आ जाता है। तो या इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट भी है, कैफे बार्स हो गई, फिर सैंडविच, ये सब रेस्टोरेंट भी है तो लोग यहाँ पे बैठ के खा भी रहे हैं। हाय गाइस, अभी हम लोग केबल कार में हैं एंड शी वाज सो एक्साइटेड। और ये हमने राउंड ट्रिप ली हुई है जो कि है $1 वन वे की, $2 राउंड ट्रिप की। तो या वी आर जस्ट एंजॉयिंग, ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी राइड है तो इट्स नॉट दैट बैड, पर या सिर्फ इसके लिए। चेयर्स, से हाय। नो, ये शिवांश विंडो सीट में बैठा है और हाय कह रहा है हम सबको। हाय शिवांश। सो ऐसी सुविनियर टिकट लिए एंजल्स फ्लाइट के लिए, मतलब जस्ट याद रखने के लिए ये लोग देते हैं। अगर नॉर्मली आप आ रहे हो तो वो नॉर्मल टिकट देते हैं, ये सुविनियर टिकट है आप याद रख सकते हो तो उसके लिए। शिवांश और मम्मा अभी बड़े लोगों की तरह आ रहे हैं, वो केबल कार का एक्सपीरियंस कर लिया, अभी नीचे आ रहे हैं हम लोग। और अच्छा है शिवांश ऐसे खुद चल के आ रहा है, वरना मुझे स्ट्रोलर में उसको उठाना भारी पड़ जाता। हे गाइस, सो हम जैसे ही वहाँ से एंजेलिक फ्लाइट है वहाँ से नीचे उतरते हैं तो सामने ही यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल मार्केट करके प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे ही आप एंटर होगे आपको सब तरह का खाना मिलेगा, चाइनीज से लेके
इंडियन से लेके जापानीज मैक्सिकन सब तरह का हम लोग ऑप्शंस चेकआउट कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे हम कौन सा ले। यहाँ पे बहुत सारा नॉइज है, इट्स फन एंड वाइब्रेंट एरिया, तो आपको वैसे भी खाना नहीं है तो भी ऐसे घूमने का मजा आएगा। हे गाइस, सो हमने फाइनली खाना ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन था, राइट शिवानी? चाइनीज, थाई, मैक्सिकन, फिलिपिनो, इंडियन, अमेरिकन, इटालियन, सो यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट टू ईट एंड वी हैव ऑर्डर मैक्सिकन एंड इटालियन, सो वी हैव ऑर्डर टोस्टाडा एंड अभी इटालियन में पिज्जा ऑब्वियसली, तो अभी वो हो रहा है पिज्जा रेडी। I know. और जब रेडी होगा तो बजर बजेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रेडी हो गया है और तब तक हम खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये हो गया रेडी, यू कैन सी, ये रेडी नाउ, इट्स वाइब्रेटिंग आल्सो, सो आई विल गो एंड गेट इट। आ गया है हमारा सेकंड ऑर्डर जो कि है मार्गरिटा प्लस, उसमें ये लोग चीज यूज करते हैं वो है बराता चीज, आप देख सकते हो। और शिवांश ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है। हेलो यू गाइस एंड वी आर बैक टू आवर होटल रूम जो हमारा घर है 2 दिनों के लिए और हम बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं गाइस, आप मेरे फेस से देख ही सकते हो। और शिवांश तो स्टॉलर में ही सो गया था और हम तीनों के दिनों बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, भयंकर वाली नींद आ रही है अभी। एंड बस अभी जस्ट अभी आए तो फ्रेशन अप होके कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम सो जाएंगे एंड कल सुबह एक और नई जर्नी जाएंगे, तो विल कीप यू गाइस पोस्टेड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए या लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। बाय गाइस, लव यू ऑल।